वेलकम टू माय चैनल 24 सुजाता ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ हेयर फॉल से प्रॉब्लम के लिए, मतलब कि कैसे हम घर में घर के ही चीजों से हेयर फॉल होने से रोक सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ। और ये 100% काम करेंगे। और महंगा से महंगा जो मार्केट में मिलता है कुछ भी, उस सब को भी फेल कर देंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। और ये एक्चुअली मैंने भी यूज कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये, क्योंकि इस सीजन होता है जून जुलाई अगस्त जो भी होता है, इन सीजन में हम लोगों को सॉल्टिंग ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल ज़्यादा होती है। इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करके आप लोगों को भी बेनिफिट हो, ये मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना। एक कलछी पानी ये चावल डालना है बस, यानी कि 2 चम्मच के बराबर। और उसको हम पानी थोड़ा से डाल के इसको पहले थोड़ा सा धुल देते हैं। अब मैं इसमें पानी डाल के रख देती हूँ, इसको मैं अब रात भर इसको पानी डाल के रख दूँगी। ये चावल को मैंने रात भर भिगा चुकी हूँ, अब ये रात भर भीग गया है। अब इसको मैं हल्का सा मिक्सी कर दूँगी, मिक्सी मतलब लाइक दूध जैसा बनाऊँगी इसको मिक्सी करके। सो मैं इसको डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी और इसको मिक्सर कर दूँगी हल्का सा। ये मैंने मिक्सी कर दिया और इसके बाद हम करते हैं इसको छन्नी कर लेंगे। छन्नी करने के बाद हमें ये पता लग रहा है ये थोड़ा पतली सी दूध जैसा आ रखे, और हम इसी को ही सर पे अप्लाई करेंगे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि पानी इसको चावल को पानी में किस तरह से करना है, मैंने आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। सो मैंने अब ये पानी बना के लेके आई हूँ, तो अब हम अप्लाई करने के तरीका थोड़ा आप लोगों को मैं शेयर करना चाहती हूँ। इसको इस तरह से अप्लाई रूट रूट में करना है हमें। अरे हेयर फॉल हो रहा है। तुम्हारा कैसे बाल हेयर फॉल हो रहे बेटा? अभी हेयर फॉल नहीं हो रहे दीदी, अभी देखो मेरे बेटा का इतना सुंदर बाल है ना। मेरे बेटा का तो बहुत, और इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे बेबी अब थोड़ी देर बैठो, मम्मा बाल के साथ थोड़ी देर में खेलेंगे। ओके ओके चलो वहाँ पे बैठ जाओ ठीक है, थोड़ा पढ़ाई कर लेना। ओके ओके। सो गाइस नॉटी है मेरा बेबी, और ये क्या है ना, इसको जो इसको हमें स्कैल्प पे लगाना है, रूट रूट में लगाना है, और इससे 100% काम करेंगे और बहुत अच्छा है। और साथ में अब हमने क्या करा, ये तो पानी बना दिया, इसको मैं जर जर में रूट में लगाऊंगी, रूट में इसके बाद करके इस तरह से यूज करूंगी। ये लग रहा है कि जैसे पतली सी दूध है। और इसको हमें रखना कितना है ये भी हमें मैटर करती है, कि इसको रखना हमें हमें इतना टाइम तक रखना कि आप 2 घंटे 3 घंटे आपके पास जितना भी टाइम हो आप लगा के रख सकते हैं। आप चाहो तो रात को सोने से पहले आप अप्लाई कर लीजिए। और अप्लाई करके क्या करना है कि अगर हम आप रात में लगा के सोते हैं तो उस तो रात भर में तो बहुत टाइम तक होती है, तो जितना ज़्यादा टाइम उतना आपके बालों के लिए, हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैंने एक्चुअली एक ही बार में ही मतलब मुझे क्या हो गया कि इसने मेरे को बेनिफिट हुआ, मेरा हेयर फॉल होना छोड़ दिया। फिर मैंने नोटिस करा कि इससे मेरा हेयर का जैसे लाइक यू नो टच कर रही हूँ ना, तो मेरा हेयर मतलब हेयर फॉल तो रुक ही गया, प्लस इसके बाल को लेंथ भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, और मेरा हेयर भी काला हो गया, और जो ब्लैक काला भी हो गया, जो ब्लैक वाइट वाइट बाल जो था उसको भी स्टॉप हो गया। अब जैसे आप टच करेंगे ना बाल, ऐसा करेंगे तो आपका हाथ ऐसा लगेगा कि आपने केराटिन कराया हो। केराटिन तो हम करा लेते हैं, लेकिन केराटिन से भी बेटर हुआ मेरा बाल, और बहुत अच्छा। और पहले जैसे भी ऐसा बाल छूती था तो मेरा बाल होता क्या था कि जैसे लाइक झाड़ू हो ना, लाइक झाड़ू खरेटा, मेरी लैंग्वेज से बोलेंगे खरेटो, ओ खरेटा, आई थिंक सो खरेटा, थोड़ा यहाँ पे आके मेरा लैंग्वेज थोड़ा खरेटा साइड से ऐसा कुछ बोल, खरेटा आई डोंट नो सॉरी एक्चुअली मुझे बे भूल गया, तो इसी तरह का था। और ये मेरा बाल अब ऐसा हो रहा है कि मैं स्लिप कर पा रही हूँ, अभी तो खैर मैं नाई नहीं हूँ, अभी हेयर
पॉज कर ही नहीं हूँ, इसको मैं अप्लाई करके ही नहाऊंगी। और सो गाइस इसको जरूर ट्राई कर लीजिएगा हेयर फॉल करने के रोकने के लिए। और होता क्या, और एक और है कामा की भी ऑयल आती है, एक ड्रिंगांडी ऐसा कुछ करके, वो भी अच्छा होता है, बट मुझे उससे भी बेटर ये लगा और ये बहुत ही अच्छा है। सो गाइस जरूर ट्राई कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे प्यार देते रहिएगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों को थैंक यू सो मच, ऐसा ही प्यार देती रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।